हिमाचल प्रदेश के मंडी में 24 सितंबर को होने वाली भाजयुमों की संकल्प रैली के चलते मंडी जिला पुलिस ने कमर कस ली है। मंडी में प्रदेश भर से पुलिस जवानों को बुलाया गया है ताकि पीएम मोदी की रैली में किसी प्रकार की कानून व ट्रैफिक की समस्या से निपटा जा सके। इसके साथ ही इस बार मोदी के सभा स्थल के समीप 150 नए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर पुलिस नजर रख सके। इसके साथ ही पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर शहर और इसके आसपास 5 ड्रोन कैमरों की सहायता से भी निगरानी रखी जाएगी। गुरुवार को एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी दी। सुनिए क्या कुछ कहना है एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री का। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या की बातें हैं, हमारी टीम सिविल ड्रेस में और बाकी सभी यूनिफॉर्म ड्यूटीज़ के माध्यम से जितने भी आसपास के जो सस्पिशियस एलिमेंट्स होते हैं उनको चेक करने के लिए करीब एक हफ्ते से यहाँ पे एक्टिव है। इसके साथ ही 4 जो बैरिकेड्स, 4 जो नाका पॉइंट है वो एडिशनल इस्टेब्लिश किए गए हैं। जिला के जितने बॉर्डर्स हैं वहाँ पर संबंधित पुलिस स्टेशन जो हैं अपनी नाका पार्टी के साथ मोबाइल नाका टीम्स रात की गश्त और जो नाइट की हमारी चेकिंग रहती है उस पर हम एक्टिव हैं। इस पूरी ड्यूटी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए ड्रोन्स और सीसीटीवी कैमरास का भी उपयोग किया जाएगा और वेन्यू स्थल के और आसपास करीब जो है 150 सीसीटीवी कैमरास नए ऐड किए गए हैं जो एग्जिस्टिंग कैमराज है उसके बाहर, ताकि हर एक एक्टिविटी पर हम नज़र रख सकें। इसके अलावा ड्रोन्स की करीब 5 ड्रोन्स की सहायता से भी सर्विलेंस जो है वो पुलिस टीम द्वारा किया जाएगा। जो उड़ानों पे प्रतिबंध है, एक तो जो वीआईपी मूवमेंट जिस समय रहता है उसके 4 घंटे पहले और उसके 2 घंटे बाद किसी भी प्रकार का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो उस एरिया के लिए जहाँ पे वीआईपी मूवमेंट है। हम जो पुलिस जो ड्रोन यूज़ कर रही है सुरक्षा की दृष्टि से, पहले नंबर वो उस एरिया को कवर नहीं कर रहे हैं और दूसरा नंबर हम भी उस टाइम लिमिट में अपना ड्रोन यूज़ नहीं करेंगे। हमारे ड्रोन रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे वेन्यू और जो वीआईपी का मूवमेंट जहाँ जाएँ उससे बाहर। जैसे हमको ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए चाहिए या हमको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख रही है या हम ये जज कर रहे हैं कि किस तरफ कितना ट्रैफिक है, कितनी कंजेशन है, तो उस पर्पज़ से हम लोग ड्रोन यूज़ करेंगे। पुलिस के ड्रोन्स विदाउट परमिशन, हमारे भी ड्रोन जो है वेन्यू स्थल पर 4 घंटे पहले और 2 घंटे बाद नहीं चलेंगे और ये सब पे लागू होता है। फिर भी मैं कह रही हूँ कि वीआईपी जब आ जाएंगे किसी प्रकार का कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है अलाउड नहीं होगा, और ड्रोन्स खासकर क्योंकि आजकल काफ़ी लोग ड्रोन्स यूज़ करते हैं वो बिल्कुल जो हैं ड्रोन का परमिशन ही नहीं है।